वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कौन सी मूवी थी जिससे शाहरुख खान का करियर तबाह हो गया था। रेखा को हटाकर माधुरी संग फिल्म करने का अंजाम हुआ था बेहद बुरा। तबाह हुए थे एसआर के। साल 1994 की फिल्म में 70 से 80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा को रिप्लेस कर माधुरी दीक्षित ने शाहरुख खान के साथ अपनी जोड़ी बनाई थी। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि उनकी फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। सदाबहार रेखा ने अपने करियर में कई सुपरस्टार के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई थी और दर्शकों का मनोरंजन भी किया था। एक वक्त ऐसा भी था फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए मोटी मोटी रकम के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब वह डायरेक्टर की पहली पसंद होते हुए भी उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। कुछ ऐसा ही सीन 1994 में देखा गया था जब फिल्म में रेखा की जोड़ी शाहरुख खान संग बनते बनते रह गई थी। हालांकि वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जबकि उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित थी। यहाँ हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है अंजाम, जो कि साल 1994 में आई थी। इस फिल्म में पहली बार माधुरी दीक्षित संग शाहरुख खान की जोड़ी बनी थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 करोड़ के आसपास बनी थी यह फिल्म। यह फिल्म लगभग अपना बजट भी निकाल नहीं पाई थी। इस फिल्म को डायरेक्टर राहुल रवेल ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के बारे में IMBD रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का टाइटल पहले मजनू का जुनून रखा गया था, हालांकि बाद में इसे बदलकर अंजाम कर दिया गया। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित को रोल को सबसे पहले रेखा को ऑफर किया गया था। फिल्म के मूल रेखा और शाहरुख खान थे, लेकिन किसी कारण रेखा इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। इस तरह माधुरी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनी थी। बता दें कि 90 के दशक में माधुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। वह तेजाब, दिल, परिंदा, रामलखन, बेटा, खलनायक जैसी फिल्में देकर डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन चुकी थी, जबकि उन दिनों रेखा का दौर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर था। ऐसे में माधुरी को किसी फिल्म में किसी को रिप्लेस करना आसान था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में शाहरुख खान तीसरी बार नेगेटिव भूमिका में देखे गए थे। फिल्म डर और बाजीगर के बाद अंजाम में शाहरुख खान ने अपने लुक से दर्शकों को डराने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार वे असफल साबित हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया था कि फिल्म में कोई हीरो नहीं है। शाहरुख पूरी पब्लिसिटी में थे, लेकिन फिल्म के विलन थे। भले ही फिल्म में दीपक तिजोरी हीरो थे, लेकिन उनका रोल हीरो के लिहाज से काफ़ी छोटा था। फिल्म की मुख्य नायिका माधुरी दीक्षित ही थी। इस फिल्म के प्रमोशन के वक्त दीपक तिजोरी को दूर रखा गया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।